चलिए आपको बता दूं कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस और इसी के उपलक्ष्य में इस वक्त बिड़ला ऑडिटोरियम में मौजूद है प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस उसके उपलक्ष्य में हम बैठे हुए हैं और जो अवार्ड मिले हैं राजस्थान को उसके लिए मैं डॉक्टर सुरूप शर्मा जी को तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि जिस भावना के साथ में राजस्थान को पूरे विश्व के अंदर जो अवार्ड मिले हैं 16 कितने मिले हैं, कितने मिले अवार्ड पूरे विश्व में, 2 मिले देश के अंदर, 2 अवार्ड मिले एक राजस्थान में मिला है, कुल 33 संस्थाओं को मिला, 33 विश्व की कुल 33 संस्थाओं को तंबाकू निषेध के उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिला गया। उसमें हमारे मुल्क में 2 पुरस्कार मिले उसमें राजस्थान है। यही बात करता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आप सबके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सबके सहयोग से जो मकसद से आज मीटिंग बुलाई गई है, ये वर्कशॉप रखा गया है, ये बहुत कामयाब होगा। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। विश्व तंबाकू दिवस निषेध के रूप में आज राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने शिरकत की और उनके साथ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद है। बिड़ला सभागार में इस वक्त राज्य स्तरीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया और इसी के उपलक्ष्य में सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे